हनुमान चालीसा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना किसने और कहां करी थी? इसकी रचना ना किसी मंदिर में, ना किसी आश्रम में, बल्कि एक जेल में हुई थी। एक बार अकबर को पता चलता है कि तुलसीदास जी जादू कर सकते हैं, तो उन्होंने तुलसीदास जी को अपने पास बुलाया और उन्हें बोला कि मुझे भी जादू करके दिखाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, ये सब भगवान राम की वजह से होता है। अकबर को इस पर गुस्सा आता है और वो तुलसीदास जी को जेल में बंदी बना लेता है। जब तुलसीदास जी जेल में होते हैं, तब वो हनुमान जी से विनती करते हैं अपनी रक्षा के लिए और हनुमान चालीसा लिखना शुरू कर देते हैं। और जब 40वां दिन ख़त्म होता है, तब बंदरों की टोली अकबर के किले पर हमला कर देती है। तब अकबर समझ जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, वो तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा की रचना की वजह से हो रहा है। फिर अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुलसीदास जी को रिहा कर देता है। आपकी लाइफ का कोई रियल इंसिडेंट हनुमान चालीसा के साथ जुड़ा हुआ है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल।